नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला केस में मिली जमानत। रांची हाईकोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर दी जमानत। लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि खत्म होने को आधार बनाकर दायर की थी जमानत याचिका। साथ ही कोर्ट ने लालू प्रसाद को पासपोर्ट जमा करने का दिया आदेश। कर्नाटक की राजनीति में जारी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर से कहा है कि वो यथास्थिति बहाल रखे और इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई आगे ना बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस और जनता दल एस के 10 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बागी विधायकों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ अब मंगलवार को सुनवाई करेगी। कर्नाटक सरकार पर लगातार गहरा रहे संकट के बीच बोले मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, कहा मैं कुर्सी से चिपके रहने वाला इंसान नहीं हूं, मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूं। इसके अलावा आज उन्होंने विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए समय भी मांगा। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दी जमानत। यह मामला अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और इसके चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज करवाया था। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर 745 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप लगाया था। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु नानक जयंती पर आयोजित नगर कीर्तन में पाक पीएम इमरान खान को दिया न्योता। पाकिस्तान के ननकाना साहिब से शुरू होगा नगर कीर्तन। इसके अलावा पाकिस्तान स्थित पंजाब के सीएम और गवर्नर को भी भेजा है निमंत्रण। एसजीपीसी प्रमुख जीएस लोंगोवाल ने इस बात की दी जानकारी। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें, महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया गया है, जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर रोक लगाने से किया इनकार। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना बनाई है, जिसके तहत बच्चों के परिजन उनको ऐप के जरिए उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। सचिन और गांगुली के बाद सुनील गावस्कर ने भी धोनी के बैटिंग ऑर्डर पर उठाए सवाल। उन्होंने सेमीफाइनल में मिली हार के बाद कहा धोनी को टॉप ऑर्डर में आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पांडे और पंत दोनों मिजाज के लिहाज से एक जैसे ही बल्लेबाज हैं। उनकी जगह एक छोर पर धोनी को होना चाहिए था, जो पंत को संयमित रहने की सलाह दे सकते थे। आखिरकार पंत एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 86.88 अंकों की गिरावट के साथ 38,736.23 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 30.40 अंकों की कमजोरी के साथ 11,552.50 पर हुआ बंद। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन आसियाना इंटरनेशनल के कवर फोटो पर नजर आएंगे करीना कपूर। खबरों के मुताबिक मैगजीन के फोटो शूट के लिए करीना कपूर ने 30 से 40 लाख रुपए की रकम ली है, जो इससे पहले किसी को नहीं मिली है। करीना कपूर आजकल अपनी आने वाली फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग में व्यस्त हैं। कंगना रनौत ने पत्रकार से विवाद के बाद किया मानहानि का केस। नोटिस में कहा गया है कि कुछ पत्रकार जर्नलिस्टिक नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे हैं और कंगना रनौत की खुलेआम मानहानि कर रहे हैं। बता दें कि जजमेंटल है क्या के इवेंट के दौरान पत्रकार से कंगना रनौत की तीखी बहस हो गई थी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।